हाई गुड मॉर्निंग गुड मार्निंग माई नेम इज़ डेविड सिंह रावत आई एम फ्रॉम डी डब्ल्यू ऑल भारत आज मैं बनखेत के बारे में बताऊंगा और ये जंगल है काफ़ी घना uh, जंगल है कम से कम दस किलोमीटर दस दस से बीस किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ देख रहे मेरे पीछे लुक ये देखिए और यहाँ पे एंड दिस इज एंट्री पॉइंट ऑफ दिस फॉरेस्ट टेम्पल बना हुआ है मंदिर बना हुआ है और ये मेरे साथ है यहाँ का लोकल लड़का है एज अ गाइड कह सकते हो इसके बारे में आ, इनको इस फॉरेस्ट के बारे में काफ़ी नॉलेज है तो मैं इनसे एक इंटरव्यू लेता हूँ भैया आपका नेम क्या है क्रिस yes. ओके okay, आप यहीं बन के रहने वाले हो यस yes. तो आप मुझे इस जंगल के बारे में आपको नॉलेज काफ़ी है yes. तो आप मुझे बताइएगा ठीक है चलिए लेट्स स्टार्ट एंड जानते इस जंगल के बारे में फॉरेस्ट के बारे में कि आखिर ऐसा क्या है इसमें एंड uh, लोग वैसे यहाँ चलते नहीं है रात को तो बिल्कुल नहीं आते हैं। क्योंकि बिकॉज रात को आने का मतलब यहाँ पे कि गायबी हो जाओगे ठीक है क्योंकि कुछ तो यार इंडिया में भूत प्रेत का जो होता है वो और दूसरा जंगली जानवर फैक्ट है यहाँ पे है जंगली जानवर हमने खुद देखा हुआ है और इसलिए मैं शार्प मॉर्निंग में आया हूँ और मॉर्निंग का अभी छः बजे हुआ है थैंक यू लेट्स स्टार्ट एंड विल सी हाई गुड मॉर्निंग माई डेविड फ्रॉम डी डब्ल्यू ऑल भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आज मैं इस जंगल का जंगल के बारे में जानना चाहूँगा और ये जंगल में यहीं से शुरू होता है एंड इस जंगल का नेम है बनखेत कम से कम दस किलोमीटर के दायरे में ये जंगल फैला हुआ है एंड देखें इस जंगल में क्या क्या मुझे दिखाई देता है क्या नहीं एंड कहा जाता है ये जंगल बहुत डेंजरस है अभी जो ये पेड़ काट रहे हैं भाई साहब ये ये इस बाहर साइड के हैं रोड की ओर है और कम से कम तीन से चार किलोमीटर अंदर जाने के बाद आगे भयानक जंगल दिखाई देता है जिसमें जानवरें बहुत सारी हैं जैसे कि लॉइन हाथी आ, टाइगर एंड इस तरह से डेंजरस जो जानवर सांप कीड़े बहुत सारे खतरा है ओवरऑल यहाँ पे कहा जाए तो लेट्स लेट्स स्टार्ट अब ये मेन जंगल का जो स्टार्टिंग है घना जंगल वो स्टार्ट हो चुका है और जैसे कि देख रहे हैं आप यहाँ पे एंड uh, अबे हमें पीछे कुछ गिदड़ भी मिले थे और आवाज़ें भी कुछ ख़तरनाक सी आई थी अब देखो क्या मिलता हमें डर तो लग रहा है बट सी एक होता ना जुनून ठीक है मुझे यहाँ पे देखना है क्या है क्या नहीं है तो इस तरह से ये आवाज़ें भी आ रही है जब इस तरह से आवाज़ आती है ना जंगल में खड़ 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 घुट पुड़म पुड़म तो बहुत ज़्यादा डरावना लगता है और ओबियसली अभी साढ़े छः बज चुके हैं अभी के तो अभी धूप भी दो घंटे के बाद निकल ही जाएगा फिलहाल हम देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच सके उसके बाद जो हाँ जहाँ पे भी आज जितना जहाँ पे भी आ, एंड करेंगे वीडियो का उसके बाद का जो वीडियो हम मैं कोशिश करूँगा कल दिखाऊँ मैं आप लोगों को और देखिए देखिए क्रिश मेरे साथ है ताकि यार मैं अकेला तो आ नहीं सकता यहाँ पे वो लिए कहते हैं ना जंगल में हमेशा कम से कम uh, चार पाँच तीन चार लोगों का ग्रुप होना चाहिए बट uh, वैसे आई वॉज अलोन आई केम हियर अलोन बट आई मेट टू मिस्टर दिस गाय इज मिस्टर क्रेश एंड ही इज़ अलोंग विद मी एंड ही इज़ गाइडिंग मी बिकॉज एग्जैक्टली ही नोज़ हाउ टू विल गो अ हेड एन दस फॉरेस्ट विच वे इज गुड और नॉट ही नोज वेरी वेल तो मैं यही कहना चाह रहा था कि यार अभी तक तो नसीब है कि कुछ नाम अभी तक मिला नहीं है आप इसको नसीब ठीक समझो या नहीं बिकॉज एक जानवर मिलना उससे बचना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारे हाथों में कोई हथियार भी है नहीं नट कोई डंडा है कि हम उसे भगा सकें डरा कर तो ये है नज़ारा और अभी काफ़ी हम जाएंगे आगे की ओर जाएंगे हमने ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया है मैं सोच रहा हूँ कि ब्रेकफास्ट कर लें एक बार ब्रेकफास्ट कर लें ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकलेंगे और ये पतली सी जो ये सड़क जा रही पहले के टाइम पे यहाँ से लोग चला करते थे तो वो जो लाइनिंग है या फिर आप भी जो कुछ घूमने वाले यहाँ जंगल की शेयर करने वाले हैं वो आते हैं और यहाँ पे घूम के चले जाते हैं इसलिए पतली पतली सी जो रस्तों का निशान है वो अभी है और अभी आवाज़ जंगलों की आती रहती पता नहीं यार समझ नहीं आ रहा होता क्या यहाँ कड़ा-कड़ा खड़ो घड़ू -कड़ा आवाज़ तो आ रही कदेश आप यहीं पर हो ना कदेश yes. मेरे पास मेरे साथ है ताकि मेरे को डर कम लगे रहेगा और ये पेड़ों का है यहाँ पे अभी चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे पेड़ इतने बड़े बड़े हैं कि जिसका कुछ कहा नहीं जा सकते देख रहे हैं पेड़ लुक डिस्ट्री बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे हरियाली की कमी नहीं है ऑब्वियसली यार जंगल में आए तो हरियाली तो रहेगी बट इतना हरियाली भी नहीं की कुछ ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा ही मिल जाए हमें क्योंकि या yes. yeah. क्रिस इज़ नाइस बॉय एंड आई एम फॉलोइंग हिम बिकॉज ही इज़ अ लोकल बॉय ऑफ दिस लोकेशन एंड आई नो हा विल आई फाइंड नॉट कैटल्स बिकॉज कैटल्स जानवर बोलूँगा तो वो मेरे को खा जाएंगे हैं तो बट जब तक क्रिश मेरे साथ हैं आई वोट आई वोट वरी अबाउट एनी लॉन् एलिफेंट एंड एट्सेट्रा यानी कि जानवर वाह ये देखिए ये देखिए नाइस क्या अगर कोई अभी सामने से गिदड़ भी निकलेगा तो नाइस सब कुछ निकल जाएगा क्योंकि जंगल में जब थोड़ी सी आवाज ही अगर निकल जाए ना लाइक श्रप इस तरह की खड़खड़ खुड़खुड़ कुछ भी साउंड तो यार डर तो लगता ही है ओके हाय हाँ। हम लोग काफ़ी अंदर आ चुके हैं इस जंगल के और ये पतली सी एक जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता आगे जाकर ख़त्म हो जाएगा यानी कि इस तरह से जो ये पेड़ों पेड़ों के बीच में से इस तरह से हमें निकलना होगा और हालांकि कभी भी किसी भी किसी को भी मैं सलाह करूंगा कि कभी भी किसी भी फॉरेस्ट में इस तरह से ना आए बिकॉज जंगल के बीच के जाने का मतलब है खतरा तो ही है इट इज़ वेरी डेंजरस एंड विशरट कम हियर इन इन दी फॉरेस्ट इन एन एनी फॉरेस्ट एनल से कि कभी भी किसी फॉरेस्ट में नहीं जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ यार कुछ भी हो सकता है जानवर आ सकते हैं और ठीक है जो बहुत प्रत का होता है ना कि भाई एक आ, हवा चलना रुख चलना वो कभी भी इंडिया में खास तौर पर वो होता है मैं मानता हूँ भगवान भूत प्रेत में मानता हूँ तो ओके okay, भगवान हमारे ऊपर हाथ रखे एंड मेरे साथ जो ये इस लोके लोकल एरिया का लड़का है मिस्टर क्रिश यार ये मेरे को गाइड कर रहा है और थोड़ा यही मेरे को कह सकता हूँ कि बचाएगा इस जंगल से कि कैसे सेव होना है और अब जानवरों से क्योंकि इनको यहाँ के जानवर का जो आवाज़ें हैं किस तरह से यहाँ चिल्लाते हैं और कैसे हमें बच रहे हैं कैसे हमें वो इशारा कह सकते हो आप वो जो देते हैं हमें तो उससे कैसे बच रहे हैं वेल सी हाय गाइस मैं डी डब्ल्यू ऑल भारत से डेविड बात कर रहा हूँ एंड देखिए जहाँ तक है इस जंगल में जो इस तरह के झाड़ियाँ बहुत सारी मिलेंगी और इन झाड़ियों के बीच में कुछ भी लाइक स्नैक स्नैक एंड कोई भी जानवर छिपे रहते हैं तो भरोसा नहीं रहता कि यार कब कहाँ से क्या आ जाए और ये इस तरह की साउंड आते रहती है हमेशा यहाँ पे क्रिश ये कैसा साउंड आ रहा है पीछे से ये आई आई नो नो तो बोल दिया आपने लेकिन यार एग्जैक्टली ये थोड़ा सा लगता है ऐसे जो सब जब साउंड आते हैं ना लग है। लगता है ओबियसली और मैं बताना चाहूँगा इस कैमरे की क्वालिटी जो मैं जिस कैमरे से मैं शूट कर रहा हूँ शूट कर रहा हूँ इस कैम, ये कैमरा ये फ़ोन है मेरा ओप्पो एंड ओप्पो इज गुड ब्रांड इन इंडिया स्पेशली इंडिया में बायर्स बहुत हैं ओप्पो के लवर्स बहुत हैं बिकॉज ओप्पो इज़ फेमस जस्ट बिकॉज ऑफ़ इट्स कैमरा क्वालिटी और स्टार्टिंग में कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा दिया था और कैमरा क्वालिटी बरकरार रखने के साथ साथ इन्होंने कैमरे की फ़ीचर काफ़ी बढ़ा दी लाइक मेमरी इट्स यस रैम एंड स्टोरेज और फंक्शन uh, जैसे अदर जो ब्रांड uh, के फ़ोन आते हैं उनके कंपेरिज़न में काफ़ी बेहतर है तो यूवर्स को मैं ये भी कहना चाहूँगा कैमरे की क्वालिटी के साथ साथ फीचर का अच्छा होना और स्मूथ चलना लाइट वेट ओपो इज़ दी बेस्ट एंड बेस्ट कैमरा तो कैमरे की खासियत बताने के साथ साथ जो काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए वो काम तो जारी है ही है एंड इस काम के अलावा या लोगों के लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं और इस जंगल में देखिए काम तो क्या हमें अपना काम करना है और मैं अपना काम कर रहे हैं आया हूँ और इस काम करने के साथ साथ मुझे बहुत सेफ़ रहना है यहाँ पे सेफ एंड साइड लेके चलना है अब आइए देखिए यार कोल्ड हो चुका है मेरे को तो बिकॉज़ मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ इस फॉरेस्ट में आज हालांकि दूसरा दिन है दिस माई सेकेंड डे और यहाँ पे पेड़ों की खासियत है कि कोई टेढ़े मेढ़े पेड़ नहीं है मैं एक बार दिखा दूँ आप लोगों को फिर से स्ट्रेट है स्ट्रेट दैट इज गुड थिंग देखिए इस पेड़ की खासियत इतना लंबा है एक इसको कहते हैं सा, सा, सागौन ये सी सागौन का पेड़ कहते हैं इसका फर्नीचर काफ़ी अच्छा बनता है और यहाँ पे पेड़ काटना अलाउ नहीं है बिकॉज दिस इज फॉरेस्ट प्लेस और वन विभाग के अंदर आता तो कोई अलाउ नहीं है कानूनी है ये पेड़ काटना और यहाँ पे कोई पेड़ काटता भी नहीं है यहाँ पे इतने एजुकेटेड लोग हैं और पेड़ के लकड़ियों को तभी उठाते जब पेड़ खुद बखुद सूख कर बूढ़ा होकर गिर जाता है उनके टहनियों को लेकर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आज भी यार पुरानी परंपरा चली आ रही आग में खाना बनाने का तो वो खाना आज भी बनाते हैं ये रास्ता है जो पहले से बना हुआ है पतली सी इस जंगल के बीचों बीच का देखने नज़ारा एंड uh, क्रिश क्रिश को मैं फॉलो करूँगा क्रिश आगे जाएगा और uh, आज भी कई लोग रात को या दिन में अगर रात को तो कोई निकलता नहीं है इस जंगल में स्पेशली दिन में निकलते हैं और दिन में जब भी जाते हैं तो रास्तों का निशान ही जाते हैं तो ये देखिए मैं आपको इस जंगल का तकरीबन मैं पूरा तो नहीं घूम सका क्योंकि उजाला भी हो चुका है और उजाले में कह सकते हैं अभी यार ब्रेकफास्ट का टाइम हो रखा है और ब्रेकफास्ट के टाइम में ब्रेकफास्ट के टाइम में अभी ज़्यादा अगर अंदर जाएं तो ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं ओबियसली जानवर के हम कहीं शिकार ना हो जाए ये पत्थर है। शायद पहले किसी फंस जाता है पत्थर पेड़ों पे और उसके बाद गिर गिर कह सकता हूँ अभी कभी भी गिर सकता कुछ भी हो सकता है सर पे अभी लगते लगते बचा हुआ मैं एंड uh, देखिए आगे का नज़ारा और ये यह यहाँ पे इस तरह की जो लकड़ियाँ हैं सीधी सीधी एकदम ये लकड़ियों का नेम तो मैं एग्जैक्टली बता नहीं सकता बट यहाँ पे सागौन कुछ कहते हैं और ये बनखेत जो जगह है ये उत्तराखंड के अंदर आता है क्रेश। Yes. उत्तराखंड ओके okay. उत्तराखंड के अंदर आता है और उत्तराखंड के बारे में तो यार पूरे इंडिया में फेमस उत्तराखंड इज़ अ गुड प्लेस फॉर टूरिस्ट एंड उत्तराखंड एक सिंपल uh, कल्चर के लिए फेमस है यहाँ की बोली लैंग्वेज भाषा यहाँ के लोग यहाँ के लोगों का रिस्पेक्टिव देना लोगों को एंड यहाँ के लोग इतने पोलाइटली होते हैं कि कह सकते हैं पूरे इंडिया में सबसे पोलाइट लोग यहाँ पे रहते हैं और जब भी कभी सपोज वहाँ के बाहर के लोग कुछ टूरिस्ट आते तो वो खुश हो जाते हैं यहाँ के लोगों से कि इतना रिस्पेक्टिवली वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इन लोगों से कि हम कुछ कह नहीं सकते जैसे कि कोई खड़ी बोली नहीं हैं और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा यहाँ पर जो भी आना चाहें आ सकते हैं इस जंगल में नहीं उत्तराखंड में क्योंकि अभी चलते चलते क्रेश उत्तराखंड का है तो मैं उसको जब भी उसको शेयर उसकी बात यानी याद करता हूँ तो मैं एकदम खो जाता हूँ हाँ उत्तराखंड इज़ अ बेस्ट प्लेस एंड उत्तराखंड वी शुड कम वी शुड कम फॉर टूर इन उत्तराखंड इज़ रिस्पेक्टिव प्लेस सो आज मैं यहाँ का इस जंगल का वीडियो यहीं ख़त्म करूँगा इस बन का बाकी का जो है ज़्यादा अंदर मैं आज जा नहीं सका क्योंकि मैं सोच रहा था सुबह के शॉप मॉर्निंग के पाँच बजे आऊँ क्योंकि जैस की क्रश यहाँ पर जो लोकल लोकल जो लोकल जो लड़का है यहाँ का उनको मैंने पूछा जब कल रात को शाम को तो उसने कहा कि आ, सर यहाँ पे रात को जाना तो ठीक नहीं है क्योंकि रात को वैसे जंगल है जंगल है घना जंगल है तो यहाँ पे जानवर घूमते रहते हैं तो सुबह छः बजे निकलेंगे जब छः बजे निकले तो इतना लेट हो गया कि आगे अगर बीच में जाएं तो बीच में भटक जाएँगे या फिर भटक के तो क्या क्योंकि लड़का साथ में क्रिश तो बटेंगे नहीं क्यों क्रिश yes. तो ये बात हुई थी एंड नाश्ते का कुछ इंतज़ाम है नहीं तो आगे बाहर निकल कर नाश्ता करेंगे तो थैंक यू थैंक यू सो मच एंड यू गाइस लव इट लव अस और हमेशा आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब जरूर करें एंड जितना ज़्यादा हो सके मैं अपनी तरफ से अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको शेयर करता रहूँगा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा और यहाँ पे मेरे साथ क्रेश है क्रेश आप हाई करना चाहोगे हाँ। मेरे सब्सक्राइब को मेरे व्यूवर को और ही इज़ अ नाइस बॉय हिज नेम इज़ मिस्टर क्रेश एंड इतरा हीज़ उत्तराखंड बॉय और यहीं का रहने वाला लोकल है देखिए उसके रहने का स्टाइल वा नाइस शूज़ रेड कलर शूज़ हाफ पैंट जैकेट वा कैप And he looks like some time Nepali, but he's not Nepali. Good, his smile. Wow, thank you. Thank you, bye, guys.